cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. मरियम की जिंदगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और प्यार प्यार उम्मीद करती रहूंगी। आप लोग अच्छे अच्छे नहीं बहुत अच्छे, मैं भी अच्छी नहीं बहुत अच्छी हूँ। और माशाल्लाह देखो पराठा कितना जबरदस्त लेता अपना मॉर्निंग का, और ये ऑमलेट नहीं हाफ फ्राई देसी, और ये मेरी मलाई। तो आप लोग भी आइए नाश्ता करने के लिए। और आया ने अभी बाल कटिंग करा के आ गया, क्योंकि वन डे स्कूल था तो उसको बोल दिए थे सख्ती से के बाल में थोड़ा और कटिंग और ऊपर का हाईलाइट दिख रहा है ये भी कम होना चाहिए। और समीर भी गए ले शेविंग करने, कलर वलर बाल वाल सब कटिंग करने के लिए। मैं उठी हूँ अभी 2:30 बजे और अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। अनाप कपड़े जमा दिया, अनाप वो क्या, मैंने बोली वहाँ नहीं रखने सामने, तो मैं बोली उधर जो बैग रखते ना पुलों वहाँ रख लें, तो चप्पल वप्पल सब निकाल लेगा वहाँ से। और अभी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, कुछ लोगों की मैं ऐसी बारात निकालने वाली हूँ लाइव, जरा आप लोग रोज देखते रहना। अभी जरा एक दो दिन जान दो, मैं जरा थोड़ा बिजी हूँ एक दो दिन में, मगर अभी बारात निकलना चालू होगी। मैं बहुत टाइम से चुप बैठी थी, तो मेरे सीधेपन का लोग जो मुझे यूज़ करके फ़ायदा उठाते हैं ना, उनको तो नसीहत देना बहुत ज़रूरी है। ये तो हर कोई मुझे यूज़ करेगा फ़ायदा उठाएगा, है ना। तो मुझे मेरे बच्चे तो बोलते थे, नूरी लोग भी ये बात से चिल्लाने लग गए अभी, कि हर कोई ना तुमको यूज़ करता है खाली और उसका फ़ायदा लेते हैं। तो जानो जो फ़ायदा लेते हैं ना उसको अल्लाह पाक भी बहुत बुरा, उसको फ़ायदा लेने वाले का भी ना अल्लाह पाक उसके बोलते ना क्या आगे दिखाता है, हाँ उसका देता ही है जो गलत फ़ायदा उठाता है। अपनों साफ दिल से किसी का भी काम करते, मगर ये लोग ना यूज़ करते झूठे झूठे माँ बना के, ये करके वो करके, झूठे झूठे रिश्ते लगा के। तो ये लोग बहुत चीटर लोग रहते हैं, जो झूठे रिश्ते लगाने वाले, यूज करने वाले, बनावटी चाले आते नहीं करने के लिए। अपन जो भी चीज़ करते ना दिल से करते, और कोई किसी के दिल से खेलता ना अल्लाह पाक उनके आगे तो इतना बुरा लेके आएगा कि वो अपने सच्चे रिश्तों को भी कोई टाइम तरसेंगे तो वो रिश्ते से भी वो दूर हो जाएंगे। हाँ साले उनको रिश्ते नहीं मिल रहे थे अपने, साला मेरा आदमी खड़े रह के उनका रिश्ता वो करा, बच्चों से मिलाया, ये करके एड़ी घस रहे थे कितने सालों से, रो रो के खड़े रहते चौकी के सामने, बच्चों के घर के सामने, के बच्चों के से झलक देखने को तरसा रहे थे स्कूल के सामने। हाँ सारा आदमी को मैंने बीच में बोली गिरने के लिए, सब कुछ हमने करा के दिए, आज बच्चे मिल गए तो बोलते ना अपना वक्त भूल जाते लोग। इनको ना याद दिलाना बहुत ज़रूरी, बोलते ना बोलना नहीं चाहिए किसी के औकात के बारे में, और औकात याद दिलाना बहुत ज़रूरी है जो भूल जाते हर चीज़ में, और अपने आप को बहुत खूबसूरत समझते। बदन तो देखो ना भोपला कैसा हो जाता है, भोपला वो फूल के नम थायराइड का भोपला वैसा हो जाता है, और चेहरे पे ऐसे बड़े बड़े फोड़े आ गए ले जैसे आधी आधी टुकड़ा सुपारी हो जाती है ना। देखो आज भी स्किन देखो, अभी 45 साल होके जा रहा है फिर भी आज भी माशाल्लाह यहाँ स्किन होके डॉक्टर पास जा रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, फिर भी वो लानत है चेहरे पर, जो तुम्हारी अंदर की कड़वाट और जो कालापन देखो ना दिल के अंदर कालापन, लोगों को जो खेलते तुम लोग अंदर फिर पीछे बातें करते ना, तुम्हारे चेहरे पे नानत लेके आता है, समझे, वो नानत है तुम्हारे चेहरे पे। और अल्लाह हमेशा ऐसी नानत बरसाएगा, और इंशाल्लाह भी लाइफ में आके भी मैं खुल के बताऊंगी मैं ये किसके बारे में बोल रही हूँ। आप लोग देखते रहो बस एक दो दिन की लाइफ में, क्योंकि अभी थोड़ा बकरे वकरे लाने का थोड़ा बिजी हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ जरा करके। अजमेर से जाके आ जाओ ना फिर, अभी ना मस्त हाथ पाँव धो के पड़ती हूँ पीछे, इतना मेरे नाम से उड़ान भराना जानती हूँ ना, तो मेरे नाम से गिराना भी जानती हूँ, समझे क्या, वो दिखाती हूँ। वो सोचते रहेंगे कि हम लोग बहुत तीर मार रहे थे, जब गए तो एक जोड़ा कपड़ा दे दिए, गिफ्ट दे दिए, गिफ्ट की मैं भुगती नहीं हूँ, मेरा मर्द ना आज इतने बड़े बड़े गिफ्ट मुझे ला के देता, मेरी बेटी इतने बड़े बड़े गिफ्ट ला के देती, माशाल्लाह मेरे रिश्तेदार लोग इतने बड़े, मेरे को किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं, मेरा बस मेरे सर पर मेरे आदमी का हाथ रहे, मेरे को वही सबसे बड़ा गिफ्ट, तो मुझे ये अपनी छपरी गिफ्ट की जरूरत नहीं है। देखो मतलब ईद का भी कपड़ा दिया है और गैलरी में अभी तक पड़ा हुआ है, समझे क्या, मेरे को किसी के गिफ्ट विफ्ट की जरूरत नहीं है, अब पूरे रिस्पेक्ट लेने करने के लिए ले लेते करके, चलो अब किसने दिया तो उसका लोग ज़्यादा फायदा उठाते हैं ना, तभी मेरे को दिखाती हूँ करके। चल आप इसका ढूंढा बेटा, एक चीज़ मिलती तो एक चीज़ घूम जाती है, तो आओ खाने के लिए। तो आज खाने में बना है बकरे के गोश्त का रस्सा बना है, ये आप लोग देख सकते हो, मस्त संडे स्पेशल, और उसके साथ में चावल है, और मेरी इसमें साथ में पतली पतली लस्सी है,
और ये देखो कल नाजी आई तो चॉकलेट सब लेके आई थी, राया ने आधे सारे चॉकलेट खा लिया ये। और ये हमारी नागपुर की पार्टी आती है समीर की, उन्होंने भी ये चॉकलेट लेके आए थे। और ये दो पैकेट वाली वहाँ की फेमस मिठाई रहती है, एक तो अम्मी के यहाँ भेज दी, एक हमारे इधर है। तुमने तो अनाप ने खोल के कुछ खाई है, अच्छी मिठाई बोलती ऑरेंज वाली। और ये सब मिक्स है, स्ट्रॉबेरी ये वो सब, तो इसमें सायान ने खाया सब। श्री रास से चॉकलेट खुले तो एन भी यारी चॉकलेट बहुत पसंद है, मैं अजमेर भी आती हूँ देखे आप लोगों ने काफ़ी टाइम लेके आती आया ना परी के लिए। और नूरियो सैदा पर भी अंदर शुरू है खाना खाने में, खाना कभी खाएगी का फोन आ रहा है और घड़ी घड़ी कट जा रहा है, देखती क्या बात है। और क्या बोलूँ, आप लोग कैसे हो संडे में, आज कहाँ जा रहे हो स्पेशल? मेरे भी कुर्रा जाने वाली है ना, मैं भी कुर्रा जाने। चलो अभी मिलते खाना खाते। हाँ बहुत अच्छा है, अगर चलाने आ गए ना। हाँ हाँ जरूरत है, अपना फूलते रहता है ना, खाने के लिए देखेगा ना। हाँ खाना बनाने के उधर भी रख दिए ना। तो हम लोग जा रहे हैं फाइनली मार्केट, और बहुत लेट हो गया, 7:15 बज के जा रहे हैं। मस्जिद की अजान हो गई है, जल्दी आना भी है, फिर रात में हमारा अपॉइंटमेंट रहता है उनके के साथ में। सुनिए और कलायन का जो पिंक है बालकी मेरे गुरके की कौन आ जाएगी इसको पता नहीं, जगह से हाथ इधर रखे थे। हम लोग जा रहे हैं अनापुर में, तो समीर ने माशाल्लाह बहुत अच्छा बर्गर लाए थे, मगर मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि अंदर बैठ के मैंने ठूस ली उसको। और बहुत प्यारा बर्गर समीर के हाथ का बर्गर, मतलब समीर को पता है मुझे बर्गर कैसा लगता है, बाकी किसी को नहीं पता है। आयान परी परी भी लेके आती है, आयान को तो नहीं पता है, वो लोग तीखा लेते हैं। मगर मेरे समीर से पूछती थी मैं कौन सा वाला बर्गर खाती हूँ, मगर अभी इतना टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगी आप लोग को मेरा बर्गर कैसा लाते समीर। तो मेरे तो मैं अक्खा बर्गर नहीं खा सकती, तो मैंने अक्खा खा ली, खाना खा के भी पेट में जगह नहीं थी, मगर मैंने फिर भी खा ली। और ये स्ट्रॉबेरी मिल्कन वो इन्होंने लेके आए थे, तो बोले वो जब भी की तो मैंने क्या करते मेरा सब कुछ ऊपर लेके आते क्या, तो मैं जा रही कुरला, अभी कुरला जाने की टम्पी। ए बाबा तेरा एक वाला पर्स तो ले अभी, क्या उससे वो अभी तेरा दिल टूट गया, मैं तेरा एक पर्स निकाली तो। चलो तो फाइनली हम लोग जा रहे अभी, कसम से बोल रही इतनी गर्मी में भी मेरे को सर्दी हो रही है ना, वो अल्लाह ही बेटर जानता है। अल्लाह 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 अल्लाह। तो ये हमारी BMW खड़ी है और माशाल्लाह काफी दिन से खड़ी है, अभी इसको ना डाइट की जरूरत है, खड़े खड़े मोटी हो तो कोई कितने दिन से निकाले नहीं यार। देखो ना बच्चे में भी टाइगर है, तो पता है ना आप लोगों को टाइगर बहुत पसंद है। और इसको क्या लिखेला देखो, आप लोग देख सकते हो ऊपर क्या लिखा, सब मेरी गाड़ी के ऊपर यही सब लिखा है ना। आई लव ये हमारी दूसरी गाड़ी खड़ी है फॉर्च्यूनर सरकार, और इसको भी लिखा है सरकार, और कुछ लिखा है आयान, और सब गाड़ी का नंबर है 4646 4। हाँ फिंगर एक गाड़ी खड़ी है जितने के नंबर पे बोले तो समझते हो ना, सिम का मतलब कल नंबर आते हैं उनके पास। ये कभी नहीं बोलते कोई आया करो, सब बोलते रहते लोग कभी नहीं बोलते। उसके हाथ में उठे ना अभी रमशा उसका कान का बोली सेम यही डिजाइन उसका लोग से भी लगता था। तो फाइनली हम लोग आए थे परी भाई क्या, और परी भाई का डिस्प्ले पूरा उतर चुका है। कभी ऐसा भी देखा करो, हमेशा झगमग झगमग मत देखो यारे, अब नीचे का उतरने का बाकी है। लकी हमारा थक थक के बैठ गया है,
चक्कर आ रही है, उससे मच्छर लगेगा तो उसको पानी पिलाती होगी। मेरे पास सेंट भी कितना अच्छा पिला था यार। तो था हमारी अंगूर की दिखाओ ना, फिरोजी छोड़ के फिरोजी डायमंड की मर्जी था। अल्लाह, एक सेकेंड में इतनी मेरी एलर्जी हो चुकी है। दोनों में से एक पार है। तू भी सामने से आना, सामने से ले लो, से आना ब्रो। मेरी लड़की का पहले फोन आएगा तो करीब फिर हरकत सुधार के बाद जाएगा। हाय गाइस, अभी हम तो बोलो मैं, हाय गाइस, मैं सन्नी। ये मेरे को प्रॉब्लम करेगा ना तू? हाँ चल बोलना। हाँ, एक सेकंड। मैं सन्नी, तो मैं क्या कर रही हूँ अभी आप लोग देख सकते हो, ये हमारा लकी। क्या तुमसे कहूँ आए रब के कुंवर, तुम जान तो कौन है? क्या तुमसे कहूँ आए रब, कान में से लग रहा है गरम भाप निकल रही है। ऐसा लग रहा है मेरे स्टोव पे कान। ओ कितनी मस्ती ना मेरे को, बाप रे बाप। डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया था, अब तुम वैसे भी हरकत। और देखो कितना प्यारा पल डाली मैंने अभी। कितना भी कान में प्रॉब्लम हुए, अपना शौक तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, जो करती हूँ ना। तू ही करेगी एडिटिंग, कौन करता है? अच्छा, ये आर्टिस्ट ही आपका? हाँ, ये तो आप लोग देख सकते हैं। हाय गाइस, तो अनाप पठान भी कुछ सामने आई। पहले सुसु कि बाप रे, इनसे जीत तो मारी हूँ डायबिटीज पेशेंट। क्या बोलता चल, अरे नहीं पता चलेगा। अनाप चला, अरे नहीं चलेगा पता, मैं बोलूंगा तेरा हाथ सब मैं पकड़ लूंगी अभी। मैं बोलूँ रुको, निशान देख लो, निशान देख लो। जय जलेबी आए हैं और यहाँ पे फेमस जय जय जलेबी है। अभी मैं गाड़ी वाले को हॉर्न, सॉरी होटल वाले को हॉर्न मार रही हूँ। भाई जरा भाई भाई भाई, अरे लाइट टी शर्ट वाला मस्त खड़ेला है जलेबी वाला, रख आते जाना पड़ा। और अभी गिम्बल के बगैर काम नहीं करने का, नहीं आ करने का। चल चल बात की तरफ। अरे आपको परसेंट डिटेक्ट भी नहीं हो रहा है, उसमें दिखा रहा ऑब्जेक्ट। अरे अनाप सरक ना, तू हट, वो क्या प्रॉब्लम? अरे तू हटने, एक मिनट हटो, अनाप दो हटो, तुम अभी अभी तुम चलो, देखो तुम्हारे को फॉलो करेगा, हम लोग कुछ भी नहीं हट लगा। ऐसा नहीं, ऐसा आओ, आगे आओ, ऐसा साइड में जाओ। देखो कैमरा घुमा, देखो पीछे देखो, हमारा क्या ये गिम्बल, ये हमारा रेडी हो चुका है। और सबसे हमें नीचे बैठो, हमें नीचे बैठो, काफी रेडी हो चुका है। हेलो, आई एम सन्नी सन्नी। अरे ये शेट्टी का दिमाग कम मत समझ तू, आज ऐसी पापड़ नहीं मिलते बेटा है ना। एक बार अपन उसमें कीड़ा था पर अभी छोड़ दिया, दिखता नहीं है। शेट्टी साहब, मैंने शेट्टी साहब का दिमाग दासू भाई, दासू भाई, दासू भाई।
अरे 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 अम्मी अनाफ का फेस स्ट्राइक हुआ, हिलने लग गया है भाई। बोला ना इतनी खूबसूरत ब्यूटी थी।